ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का कम होता है प्रोटॉन का ज्यादा होता है, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड व्हाई, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा है और क्यों। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम के, लेकिन देख लेते हैं कैसे आया है। लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, एच अपॉन लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम एच अपॉन एम वी। काइनेटिक एनर्जी सेम दी है इसलिए पी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख लेंगे, पी किसके इक्वल होता है टू एम के। अगर ये आपको नहीं पता तो देख लो के किसके इक्वल, हाफ एम वी स्क्वायर, एम की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये क्या हो जाएगा एम वी पी, तो पी स्क्वायर बन जाएगा और ये टू एम, टू एम इधर, सो टू एम के इक्वल टू पी स्क्वायर, सो पी की जगह क्या रूट टू एम के, सो वेव लेंथ हो जाएगी एच अपॉन रूट टू एम के। देखो एच कॉन्स्टेंट, प्लांक कॉन्स्टेंट, टू भी कॉन्स्टेंट और के, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम कही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो केवल क्या चीज चेंज होगी दोनों के लिए मास। सो लैम्डा मास पर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास। सो जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मास किसका कम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर सो इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी ग्रेटर। ठीक है ना, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में आपको ये याद है तो डायरेक्ट लिख दो, याद नहीं है फिर तो करके देखना पड़ेगा। देखो